कार्तिक आर्यन इन दिनों अपनी फिल्म भूल भुलैया 2 के प्रमोशन में बिजी हैं। इस दौरान वे अलग अलग पोर्टल्स के साथ फिल्मों और पर्सनल लाइफ पर बातचीत करते नजर आ रहे हैं। अब एक इंटरव्यू में कार्तिक ने करण जौहर से अनबन और फिल्म दोस्ताना 2 से बाहर होने पर बात की है। कार्तिक को किया गया था बाहर। पिछले साल खबर आई थी कि कार्तिक के अनप्रोफेशनल व्यवहार के चलते करण जौहर उनसे नाराज हो गए थे। साथ ही बताया गया था कि इसी के चलते दोस्ताना 2 से उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। इस फिल्म में कार्तिक के साथ जानवी कपूर और टीवी एक्टर लक्ष्य नजर आने वाले थे। धर्मा प्रोडक्शन ने साल 2019 में फिल्म दोस्ताना 2 बनाने का ऐलान किया था। दूसरे प्रोजेक्ट की तरह इस फिल्म की शूटिंग भी कोरोना महामारी की वजह से रोकनी पड़ी थी। प्रोडक्शन हाउस के फिल्म की शूटिंग दोबारा शुरू करने से पहले ही कार्तिक आर्यन और फिल्म निर्माता के बीच अनबन की खबरें आने लगी थी। खबरों पर कार्तिक ने तोड़ी चुप्पी। एक इंटरव्यू के दौरान कार्तिक से पूछा गया कि क्या इंडस्ट्री के लोगों के साथ मतभेद के चलते उन्हें काम से हाथ धोना पड़ा है क्योंकि वह फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, मैं सिर्फ अपने काम पर फोकस करता हूं। इस बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आप मेरी आने वाली फिल्मों को देख लीजिए। कार्तिक से फिल्म इंडस्ट्री के कुछ अंदर के लोगों के उनके खिलाफ लॉबी बनाने को लेकर भी पूछा गया। इस पर कार्तिक ने कहा, क्या होता है कभी कभी लोग बात का पतंगड़ बनाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसी के पास इतना समय नहीं है, हर कोई सिर्फ काम करना चाहता है। अच्छा काम कीजिए, इसके अलावा बाकी सब अफवाहें हैं। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।